प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आते ही व्यापम घोटाले में हुई पहली सजा। इंदौर सीबीआई कोर्ट के द्वारा व्यापम मामले में आरोपी को 5 साल की सजा सुनाई गई। प्रदेश में 4 आरोपी को अभी तक सजा मिल चुकी है। वहीं इंदौर में यह पहला मामला है कि जिसमें व्यापम आरोपियों की सीबीआई कोर्ट ने सजा सुनाई है। दरअसल मामला 2009 पीएमटी परीक्षा का है, जिसमें मनोज नामक छात्र इंदौर के दंत चिकित्सा महाविद्यालय में किसी अन्य छात्री की जगह पढ़ाई कर रहा था। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इस महाविद्यालय को 2006 से लेकर 2011 तक जितने पीएमटी की परीक्षा देने वाले छात्रों का वेरिफिकेशन करने के लिए आदेश दिए गए थे। दंत चिकित्सा महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा किए गए वेरिफिकेशन में पीएमटी परीक्षा देने वाले छात्रों और कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों के फोटो का मिलान किया गया, जिसमें दोनों छात्र अलग अलग पाए गए, जिसको लेकर प्राचार्य द्वारा संयोगितागंज पुलिस थाने में आरोपी छात्र मनोज जाटव के नाम लिखित आवेदन दिया गया था। आवेदन के बाद संयोगितागंज थाने द्वारा आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने व्यापम की जांच सीबीआई को सौंपी थी। सीबीआई द्वारा अनुसंधान करते हुए सीएसएफ एवं एसएएफ जांच करवाने के बाद कोर्ट में 36 गवाह पेश किए गए। गवाह कथन होने के बाद सीबीआई कोर्ट ने आरोपी मनोज जाटव को 5 साल की सजा सुनाई है। इंदौर सीबीआई कोर्ट ने व्यापम मामले में पहले आरोपी को सजा सुनाई है। वहीं प्रदेश में आज तक 4 आरोपियों को व्यापम मामले में दोषी पाकर सजा सुनाई जा चुकी है। जी, ये एक 2009 पीएमटी का मामला था, जिसमें पीएमटी की परीक्षा किसी अन्य छात्र ने दी थी और दंत चिकित्सा महाविद्यालय में मनोज जाटव नाम का एक छात्र हुआ था। परीक्षा इसी के नाम से किसी अन्य छात्र ने, तो शासन का एक आदेश आया था कि पीएमटी 2006 से 2011 के मध्य जितने भी छात्र कॉलेजों में एडमिशन लिए गए हैं, उनके फोटो और दस्तावेजों का वेरिफिकेशन किया जाए। इस वेरिफिकेशन के अंतर्गत 2012 में दंत चिकित्सा महाविद्यालय में इसके फोटो का वेरिफिकेशन, जो वहाँ से व्यापम से सीडी और फोटोग्राफ्स आए थे जिनने पीएमटी एग्जाम दी थी, वो फोटोग्राफ्स और फोटोग्राफ का मिलान न होने पर संयोगितागंज थाने पर इसके संबंध में एक लिखित आवेदन प्रिंसिपल द्वारा दिया गया, जिसमें से संयोगितागंज थाने द्वारा मुकदमा दर्ज किया गया। फिर ये जाँच माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से सीबीआई को मिली। सीबीआई व्यापम में इसके मालिक बना और उसमें सीबीआई ने अपनी पूरी जांच पूर्ण कर इसमें कुछ विटनेस पेश किए और उन करीब 36 विटनेस पूरे होने के बाद माननीय न्यायालय ने आरोपी को दोषी माना और उसको 5 साल की सजा दी। श्री जेपी सिंह साहब के न्यायालय से 2009 पीएमटी 2009। रंजन शर्मा, विशेष लोक अभियोजक।